वेलकम फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेरे चैनल को मेरे वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी, मेरे चैनल में फिर आपका स्वागत है। इस बार के वीडियो में मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि हम जो भी स्टेंसिल बनाते हैं इसका प्रॉपर साइज कैसे प्रिंट निकालना होता है, क्योंकि जो बिगनर आर्टिस्ट होते हैं उन्हें ये समझ में नहीं आता कि जो हम जो प्रिंट निकालते हैं उसका प्रॉपर साइज, जो हमें नेम का, खासकर नेम में ज्यादा उनको दिक्कत आती है कि जो नेम का प्रॉपर साइज है वो कैसे प्रिंट निकाला जाता है, क्योंकि या तो छोटा निकल जाएगा या बड़ा निकल जाएगा। लेकिन प्रॉपर जो साइज, अगर हमें 3 इंच का साइज, 3x1 का साइज निकालना है या 4x1.5 का साइज, या जो भी प्रॉपर साइज होना चाहिए जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, वो कैसे निकलेगा, इसके बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले हमें गूगल पे फॉन्ट टाइप करना है ताकि हम जो वेबसाइट है उसको सर्च कर सकें। तो सबसे पहले हम गूगल पे जो सर्च बार होता है गूगल का, उस पर फॉन्ट टाइप करेंगे। फॉन्ट टाइप करने के बाद एंटर का बटन दबाएंगे ताकि वेबसाइट खुल सके। अब गूगल सर्च इंजन जितने भी फॉन्ट के जो वेबसाइट है वो खोल देगा। उसमें हमें इस सर्च इंजन में जो पहला 1001 फॉन्ट, इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे। इसका ये वेबसाइट ओपन हो रही है, देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ साइड में आप देखेंगे ऑप्शन एक होगा जहाँ पे हम कोई भी नेम टाइप करेंगे या कुछ भी वर्ड टाइप करेंगे तो उसका नीचे प्रीव्यू दिखाएगा। सपोज़ हमने यहाँ पे एक नेम टाइप किया, कोई भी टैटू, मान लिया हमने एक टैटू लिख दिया, हमने टैटू लिखने के बाद जब हम सर्च करेंगे तो इसके नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं, जो भी प्रीव्यूज हैं वो दिखाएंगे। हम इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे डिज़ाइंस हैं, क्या क्या फॉन्ट्स हैं, इसमें जो फॉन्ट्स आपको पसंद है हम उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं। यहाँ नीचे ऑप्शन नेक्स्ट का भी होता है, वो भी आप करके नेक्स्ट पेज भी खोल सकते हैं। प्लस अगर आपको इसमें से कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा, तो ऊपर एक ऑप्शन होता है फॉन्ट कैटेगरीज़ का। फॉन्ट कैटेगरीज में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के कैटेगरीज हैं। इनमें से आप किसी कैटेगरी को जो आपको लग रहा है कि बढ़िया होगा प्रीव्यू, उसको खोल सकते हैं। किसी भी एक कैटेगरी को खोल लेंगे, उसमें डिज़ाइंस चेंज हो जाएंगे, नीचे अलग अलग फ़ोन के फेस स्टाइल चेंज हो जाएंगे। इसमें जो क्लाइंट को पसंद आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये वाला फ़ॉन्ट पसंद आ गया, ऊपर वाले ऑप्शन से हम इसको जो है फ़ॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसका प्रीव्यू जो है छोटा बड़ा हो जाता है। अब इसमें जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पे एक ऑप्शन होता है प्रिंट स्क्रीन का, हम वो बटन प्रेस करेंगे। जब वो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि हमें कितना बड़ा साइज़ लेना है हम प्रिंट स्क्रीन का, जो स्क्रीन के ऊपर जो भी डिस्प्ले आ रहा है उसका हम साइज़ ले सकते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे एक ऑप्शन खुल जाएगा और वहाँ जो भी है वो प्रिंट हुआ होगा, उस हमने जो सिलेक्ट किया है वो वहाँ पर प्रिंट आ जाएगा। अब ये मेरा प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है इसलिए मैं इसमें प्रीव्यू आ गया। अब हमें इसको पेंट ब्रश में पेस्ट करना है, इसके लिए हम पहले स्टार्ट मेनू में जाएंगे, उसमें पेंट टाइप करेंगे सर्च बार में, उसके बाद पेंट जो एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करेंगे। हमें कॉपी की कमांड देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कॉपी हो चुकी है। हमें बस पेस्ट की कमांड देनी है, कंट्रोल वी दबा के जो है कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस वी आएंगे तो हमें ऑप्शन आ जाएगा और उसका पेस्ट हो जाएगा। हमें एक साइज है यहाँ पे एक तरफ रख लेंगे। पेंट जो सॉफ्टवेयर है इसका जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ डिफ़ॉल्ट आता है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि हम जो भी जो है साइज़ है वो प्रॉपर नहीं लेते, इसलिए हम अलग अलग पेस्ट करेंगे साइज़ और मैनुअली इसको अलग अलग साइज़ में इसको बनाएंगे। 2-3 साइज़ जो भी है हमें देखने हैं बना लेंगे। आप 2-3 बार कंट्रोल वी का कमांड दे देके, हर बार जब जितनी बार कमांड देंगे उतनी बार वो जो हमने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट होता रहेगा। अब उसको मैनुअली छोटा करके अलग अलग साइज़ का छोटा कर लीजिए, उसके बाद उसको प्रिंट निकाल लीजिए। जब प्रिंट निकाल लेंगे उसके बाद क्लाइंट को दिखा दीजिए कौन सा साइज़ को उनको पसंद आ रहा है, उस साइज़ का आप उसको स्टेंसिल बना के बना सकते हैं टैटू। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है, वो ऑप्शन क्या है, हम पहले फॉन्ट को डाउनलोड करेंगे। इधर साइड में क्लिक का बटन, जो बटन है वो डाउनलोड का बटन है, उसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये फॉन्ट डाउनलोड होगा।
फॉन्ट जो है वो जिप फाइल होगी, तो इसके लिए हमें कोई अनजिप सॉफ्ट एप्लीकेशन की ज़रूरत है। अनजिप के लिए विन आर आर या विन जिप फाइल या अनजिप फाइल का एक एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे मिल जाएंगे, फ्री मिल जाते हैं। उसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। जब ये ओपन हो जाए तो स्टार्ट मेन्यू में आपको जाना है। कैसे जाना है अभी बताता हूँ मैं। पहले इसमें देख लीजिए कौन सी फाइल है, जिसमें TFF फाइल होती है उसको क्लिक करना है और स्टार्ट मेन्यू में जाके कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में एक ऑप्शन आएगा फॉन्ट का, फॉन्ट पे क्लिक करना है। अब ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे सिस्टम के सभी फॉन्ट्स होते हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, कुछ हमने अपने तरफ से मैनुअली इंस्टॉल किए होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये फॉन्ट इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करा है यही बताने जा रहा हूँ मैं। पहले फॉन्ट का फोल्डर खुल जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ये फॉन्ट का फोल्डर खुल गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फॉन्ट सेलेक्ट किया था उसको यहाँ से माउस से पकड़ के खींच के यहाँ पर छोड़ देंगे, ड्रैग कर देंगे। जब ड्रैग करेंगे तो फॉन्ट जो है ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए ये इंस्टॉल हो गया। अब हमें ये बंद कर देना है, दोनों ऐप जो भी विंडोज़ खुले हुए हैं ये हमें बंद कर देना है। अब हमें एप्लीकेशन खोलेंगे कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बहुत बढ़िया एप्लीकेशन होता है। इसमें हम इसमें ये जहाँ लिखा हुआ है वो एक फॉन्ट का सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने टैटू टाइप कर लिया। ऊपर एक कर्सर का की का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे, वो साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए होता है। हम उसको शिफ्ट दबाकर, कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबाकर और माउस से खींचेंगे तो इसका साइज़ जो है इक्वल छोटा या बड़ा होएगा। और इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, बस अगर बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर देंगे बोल्ड का ऑप्शन से। अब इसमें यहाँ फॉन्ट्स की कैटेगरी देख लेंगे, ऊपर आप ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ पे फॉन्ट्स की कैटेगरी जो हमने इंस्टॉल कर रखे हैं वो फॉन्ट्स के हैं। यहाँ पे सारे स्टाइल दिखाएंगे, हमें इसमें जो फॉन्ट्स पसंद आ रहा है वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो पहले हमने जो टाइप किया था वो फॉन्ट कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फॉन्ट में। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्केल का सिस्टम है, इंचेस, सेंटीमीटर, एमएम, जो भी साइज़ चाहिए उस साइज़ में हम जाएंगे। हमें यहाँ पे इंचेस पे क्लिक कर देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर कॉर्नर पे आप देखेंगे यहाँ पे साइज़ मेंशन करने का ऑप्शन है कि आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या साइज़ चाहिए। यहाँ पर हम अपने हिसाब से साइज़ डाल देंगे, सपोज़ 3 हमने डाल दिया चौड़ाई और इधर 1 डाल दिया, मतलब 3x1 की हमें चौड़ाई चाहिए। जो हमें हमने जो भी जहाँ पर टैटू प्रिंट करना है, जो भी स्टेंसिल प्रिंट करना है, वहाँ पे 3x1 इंच का साइज़ चाहिए, तो हमने उसको साइज़ वहाँ पे दे दिया और ये परफेक्ट साइज़ आएगा। जब भी आप प्रिंट निकालेंगे अगर आपने 3x1 का साइज़ डाला है तो 3x1 ही निकलेगा, 1mm भी ऊपर नीचे नहीं होगा साइज़। इसके बाद हम प्रिंट का कमांड देंगे कंट्रोल पी दबा के, अपने प्रिंटर को कनेक्ट करके रख के और सीधा प्रिंट कर देंगे। अब एक मेथड तो ये हो गया प्रिंट करने का, अब एक मेथड और है। हम दोबारा से प्रिंट स्क्रीन लेंगे, अगर आपको फ़ोन डाउनलोड नहीं करना है तो उसके लिए मेथड है। प्रिंट स्क्रीन लेंगे सेम वही तरीके से, इसको हम यहाँ पे कोई कॉपी की कमांड नहीं होती है, यहाँ पे कंट्रोल वी दबाएंगे और जो भी हमने स्क्रीन शॉट लिया था वो यहाँ पेस्ट करेंगे और सेम उसी तरीके से इसका हम साइज़ अपने हिसाब से ऊपर मैनुअल जहाँ पे चौड़ाई और लंबाई का ऑप्शन है वहाँ पे हम अपने हिसाब से जो भी साइज़ चाहिए, रिक्वायर्ड साइज़ चाहिए, वो साइज़ डाल देंगे और ये उस साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बनाना है, चाहे आपका पोर्ट्रेट बनाना हो या नेम टैटू बनाना हो, सेम इसी तरीके से बनाना है। आप अलग अलग साइज़ में बिल्कुल प्रॉपर स्केलिंग के साथ प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टेंसिल का प्रॉपर साइज़ है वो कैसे निकाला जाता है, नेम का और किसी भी चीज़ का निकालना है। सेम मेथड से आप किसी और स्टेंसिल का, चाहे वो नेम हो या कोई पोर्ट्रेट हो, किसी भी तरह का कोई भी स्टेंसिल जो आपको बनाना है, प्रिंट निकालना है, सेम तरीके से आप इसको साइज को अपने हिसाब से कट निकाल सकते हैं, इसको कटिंग करके छोटी बड़ी कर सकते हैं, जो साइज निकाला है प्रॉपर निकाल सकते हैं। सेम मेथड के तरीके से आप नेम का भी निकाल सकते हैं, पोर्ट्रेट का भी निकाल सकते हैं, कोई भी डिजाइन हो
तो आप इस तरीके से इसको यूज करें, इस सॉफ्टवेयर का यूज करें, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज करें और अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बोलें कि उनको आपको वो इंस्टॉल करके दे, और इस तरीके से यूज करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।